सोते समय कई बार सांसों से या फिर छाती से तेज तेज घरघराहट की आवाज आती है। क्या आप इसके पीछे की वजह जानते हैं? अक्सर हम में से कई लोग सांस में तेज आवाज आने या फिर छाती से घरघराहट की आवाज आने पर इसे सामान्य खांसी जुकाम के लक्षण समझ बैठते हैं, लेकिन इस तरह के लक्षण कई बार गंभीर बीमारियों की ओर इशारा भी करता है। इसलिए छाती से घरघराहट की आवाज आने पर आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत होती है। आज इस वीडियो में हम छाती से घरघराहट की आवाज आने के पीछे के प्रमुख कारणों के बारे में आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। छाती से घरघराहट की आवाज आना न सिर्फ सामान्य कारणों से होता है, बल्कि इसके पीछे की वजह श्वसन मार्ग में कैंसर भी हो सकता है। इसलिए अगर आपको सांसों से तेज घरघराहट जैसी आवाज लगातार आती है तो फौरन डॉक्टर से संपर्क करें। कई बार अस्थमा की परेशानी भी लोगों में देखने को मिलती है। इस परेशानी की मुख्य वजह फेफड़ों में सूजन होती है। इस स्थिति में छाती से सांस लेने के दौरान घरघराहट की आवाज आती है। अगर आपको भी इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत अपने हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह लें। वही सांसों से घरघराहट की आवाज आने के पीछे सांस की नली में इन्फेक्शन भी हो सकता है। इस वजह से मरीजों को सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर आपको भी इस तरह के लक्षण दिखाई दे तो अपने हेल्थ एक्सपर्ट्स की मदद जरूर लें। पैनिक अटैक की स्थिति में भी छाती से घरघराहट की आवाज आती है। दरअसल जब मरीज को पैनिक अटैक आता है तो इसकी वजह से वोकल मांसपेशियों में जलन या फिर सूजन की परेशानी होती है। इस स्थिति में मरीजों को सीने में जलन जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।